तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यार सेट से एक बार फिर से शूटिंग की तस्वीर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कैसे यार कैमरों से शूट किया जा रहा है धमाकेदार तरीके से, और दूसरी ओर मतलब यार मेकर्स बहुत धमाकेदार तरीके से मूवी बना रहे हैं। और आपको बता दें कि यार इस खूबसूरत पैलेस में यार मतलब स्कॉटलैंड में शूटिंग चल रही है, डे 34। जी हाँ दोस्तों, 34वां दिन है आज इस शूट को। और वहीं आपको बता दें कि यार आप देख सकते हैं कि शूटिंग पर मतलब हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, मतलब कोई हेलीकॉप्टर का धमाकेदार सीन ही फरमाया जा रहा है। मतलब कई दिनों से हेलीकॉप्टर के सीन ही फरमाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं यार टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट पिक्चर आई है जिसमें बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं यार शूटिंग बहुत धमाकेदार तरीके से हो रही है, सेट पर बहुत धमाकेदार तरीके से मतलब पूरा लोकेशन बहुत अच्छी बनाई गई है। वहीं आपको बताते हैं यार धमाकेदार मतलब बहुत मतलब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, मतलब इतनी धमाकेदार मूवी होने वाली है कि एक नंबर मास्टरपीस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट मूवी इंडियन सिनेमा का रुख बदल देगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्योंकि भाई लोग अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ हमें एक साथ एक मूवी में देखने को मिलने वाला है, तो भाई लोग मूवी तो बड़ी ब्लॉकबस्टर होने ही है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बताते चले कि यार इस मूवी को लेकर मतलब इतना हाइप बना हुआ है कि बनता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है मूवी, और इस मूवी का बज बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। दिन पर दिन इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी जा रही है सभी फैंस के दिलों में। और आपको बताते चले कि यार सोशल मीडिया पर आए दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट आते जाते हैं, कुछ ना कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती है शूटिंग से रिलेटेड। वहीं आपको बताते कि यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ फर्स्ट डे कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मूवी के रिव्यू अच्छे आते हैं तो भाई लोग ये मूवी कम से कम 2000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में।